हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ ब्यूटी एंड हेल्दी चैनल पर आपके कई समस्याओं का समाधान। आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन इनेबल कर लें ताकि अगले वीडियो का पता सबसे पहले सिर्फ आपको चले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके घर में ही पैर से लेकर सर के बाल तक की बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिनसे कई बीमारियों के लिए प्राथमिक उपचार तो कई बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जा सकता है। जी हाँ, किचन के इन मसालों की मदद से पा सकते हैं हर रोग से छुटकारा। एक बार जरूर आजमाएं। कोई भी बीमारी हो लेकिन उसके लिए सबसे बेहतर घरेलू नुस्खे ही रहते हैं। चाहे तो सिर में दर्द हो या फिर हाई बीपी की समस्या हो, घर की रसोई में रखे मसाले हर वक्त काम आ जाते हैं। आजकल बहुत ही कम लोग हैं जो घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, लेकिन अगर पुराने जमाने की बात की जाए तो हमारी दादी नानी इन्हीं के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी काट लेती थी और वो सुखी और निरोगी भी रहा करते थे। दांत के दर्द से छुटकारा पाने के लिए अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबाएं, दर्द तुरंत दूर हो जाएगा। अगर पीरियड्स में दर्द से छुटकारा पाना हो तो ठंडे पानी में पूरा नींबू निचोड़ कर पी ले, दर्द समाप्त हो जाएगा। बवासीर से छुटकारा पाने के लिए सुबह खाली पेट 2 आलू के बुखारे खाएं। तेज सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सेब को छिलकर बारीक काटें, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर सुबह खाली पेट खाएं। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले तो तुरंत कच्चे आलू का एक पतला टुकड़ा काटकर उस पर नमक लगाकर कीड़े के काटे हुए स्थान पर 5 से 7 मिनट तक रगड़ें, जलन और दर्द गायब हो जाएगा। शरीर पर कहीं जल गया हो, तेज धूप से त्वचा झुलस गई हो, त्वचा पर झुर्रियां हो या कोई त्वचा रोग हो तो कच्चे आलू का रस निकाल कर लगाने से फायदा होता है। शरीर में कहीं गुम चोट लग जाए या नक्सीर आए तो बर्फ से सेंकना बहुत फायदेमंद होता है। मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोजाना लगाने से काले होंठ भी गुलाबी होने लगते हैं। अगर आपके नाखून बहुत कड़े हैं तो उन्हें काटने से पहले हल्के गुनगुने पानी में नमक डालकर हाथों को भिगोकर रखें और 1-0 मिनट बाद उन नाखूनों को काट दें। इससे सारे नाखून आसानी से कट जाएंगे। मुंह की बदबू से परेशान हो तो दालचीनी का टुकड़ा मुंह में रखें, मुंह की बदबू तुरंत दूर हो जाती है। 1 चम्मच समुद्री नमक लें और अपनी खोपड़ी पर लगा लें। इसे अच्छी तरह से मसाज करें और ऐसा करते समय उंगलियों को गीला कर लें। बाद में शैम्पू लगाकर सिर धो लें। महीने में एक बार ऐसा करने से रूसी नहीं होगी। बहती नाक से परेशान हो तो यूकेलिप्टस यानी सफेदा का तेल रूमाल में डालकर सूंघें, आराम मिलेगा। खजूर गर्म पानी के साथ लेने से कफ दूर होता है। कुछ दिनों तक नहाने से पहले रोजाना सिर में प्याज का पेस्ट लगाएं, बाल सफेद से काले होने लगेंगे। रोज गाजर का रस पीने से दमे की बीमारी जड़ से दूर होती है। चाय पत्ती के उबले पानी ठंडा कर बाल धोएं, इससे बाल कम गिरेंगे। प्याज और गुड़ का सेवन प्रतिदिन करने से बच्चों की ऊंचाई बढ़ती है। बैंगन के भरते में शहद मिलाकर खाने से अनिद्रा रोग का नाश होता है। ऐसा शाम को भोजन में भरता बनाते समय करें। पतली छाछ में चुटकी भर सोडा डालकर पीने से पेशाब की जलन दूर होती है। संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 3 बार 1 कप पीने से गर्भवती की दस्त की शिकायत दूर हो जाती है। यदि आपको अक्सर मुंह में छाले होने की शिकायत रहती है तो रोजाना खाना खाने के बाद गुड़ को चूसना ना भूलें। ऐसा करने छाले आपसे बहुत दूर रहेंगे। गले में खराश होने पर सुबह सुबह सौंफ चबाने से बंद गला खुल जाता है। आलू का छिलका आपकी त्वचा पर ब्लीच की तरह काम करता है। इसे लगाने से आपकी काली पड़ी त्वचा का रंग सुधरता है। इसलिए आज के बाद आलू के छिलके को फेंके नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल करें। सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरियां निकालकर कुछ दिन खाने मात्र से ही घुटनों का दर्द समाप्त हो जाता है। मसालेदार खाना खाएं। मसालेदार खाना आपकी बंद नाक को तुरंत ही खोल देगा। ताज़ा हरा धनिया मसलकर सूंघने से छींके आना बंद हो जाती हैं। गैस की तकलीफ से तुरंत राहत पाने के लिए लहसुन की 2 कली छीलकर 2 चम्मच शुद्ध घी के साथ चबाकर खाएं, फौरन आराम होगा। प्याज का रस लगाने से मिस्सों के छोटे छोटे टुकड़े होकर जड़ से गिर जाते हैं। प्याज के रस में नींबू का रस मिलाकर पीने से उल्टियां आना तत्काल बंद हो जाती हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।